हेलो एवरीवन, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैम्बलियन ट्रॉली बैग को। ये बैग मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और इस बैग की प्रॉपर्टीज, टेक्निकल डिटेल्स सब बताने वाला हूँ। ये कैम्बलियन जो ब्रांड है, ये एक्चुअली में एक सब ब्रांड है अमेरिकन टूरिस्टर का, और अमेरिकन टूरिस्टर की तरह ये कैम्बलियन ब्रांड भी काफ़ी पॉपुलर है हमारे इंडियन मार्केट में और एशियन मार्केट्स में। जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर में आपको पॉलीप्रोपाइलीन मटेरियल देखने को मिलता है अपने उसके जो ट्रॉली बैग्स होते हैं उसमें, वैसे ही कैम्बलियन बैग्स में भी आपको पॉलीप्रोपाइलीन देखने को मिलेगा। बहुत ही कम डिफरेंसेस होते हैं अमेरिकन टूरिस्टर और उसके सब ब्रांड में, तो वो सब डिफरेंसेस क्या है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। कौन सा बैग बेटर है वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ देखने वाले हैं कैम्बलियन के बारे में, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो मटेरियल है वो पॉलीप्रोपाइलीन है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और साथ के साथ ड्यूरेबल और स्टडी भी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे बेटर कौन सा मटेरियल होता है ट्रॉली बैग में, तो वो होता है पॉलीकार्बोनेट, और इससे बेकार कौन सा मटेरियल होता है वो होता है ABS लगेज मटेरियल। पॉलीप्रोपाइलीन एक मिडिल एवरेज मटेरियल है जो कि आपको अच्छी स्टडीनेस देता है। इसकी वजह से जो आपका बैग है वो इम्पैक्ट रेसिस्टेंट बन जाता है। अमेरिकन टूरिस्टर भी अपने बैग्स में और कैम्बलियन बैग्स में ये क्लेम करता है कि ये जो इसके बैग्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है, यानी ये जब ये गिरेंगे तो इन पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, इन पे एक रगड़ आ सकती है, लेकिन इनमें क्रैक नहीं आएगा। आप इन पे बैठ के सफ़र भी करेंगे तो भी इन बैग्स का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हालांकि अगर आपका कुछ फ्रेजाइल सामान है इसके अंदर, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस पे ना बैठें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये नीचे की तरफ दबता है और उस पे आपके आइटम्स से इफेक्ट पड़ सकता है। बात करते हैं इसकी व्हील्स की, तो इसमें आपको चार व्हील मिलते हैं और चारों व्हील 360 डिग्री रोटेशन देते हैं, और काफ़ी प्यारा रोटेशन है इनका। अगर देखा जाए बहुत ही इजीली और स्मूथली ग्लाइड करते हैं ये, आप देख सकते हैं बैग कितने आराम से ग्लाइड कर रहा है, 360 रोटेशन दे रहा है। और अगर बात की जाए इसके हैंडल की, जो इसका ऊपर वाला टॉप हैंडल है ये एक्सपेंडेबल है, ये ऊपर हो जाता है आपकी ग्रिप के हिसाब से और वापस नीचे भी हो जाता है जब आप इसे यूज़ ना करना चाहें। तो बात करें अगर हम बैक हैंडल की, जो हमारा ट्रॉली हैंडल है उसे अगर हम ओपन करते हैं, तो ये आपको एक एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है, एल्युमिनियम फ्रेम का पूरा हैंडल है, और यहाँ पे आपको चार लेवल्स मिलते हैं, 1, 2, 3 और एक अंदर की तरफ 4, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। जो भी आप हाइट चाहें वो हाइट ले लीजिए, इसमें वो इसमें आपका इजीली वर्क होगा, काफ़ी स्मूथली आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, पुल आउट कर सकते हैं, पुल इन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हैंडल आपका एल्युमिनियम फ्रेम का है, बैग आपका प्रोपाइलीन का है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, ये 55 सेंटीमीटर्स का बैग है, और बात करें इसके स्टोरेज की, तो इसके अंदर आपको लगभग 35 लीटर्स का स्टोरेज आराम से मिल जाता है। अगर आप 5 से 6 दिन के एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छे से काफ़ी अपने आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, शूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी एक्सेसरीज भी स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ओपन होने की, ओपन कैसे होता है और क्या इसकी सिक्योरिटी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको एक रेगुलर 3 कॉम्बिनेशन लॉक मिलता है, ये कॉम्बिनेशन लॉक फिक्स होता है, इसे चेंज करना काफ़ी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टास्क है, आप इतना इजीली नहीं कर सकते, ये एक फिक्स लॉक होता है। और अगर आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं, कोड भूल जाते हैं, तो आपको शायद ये लॉक तोड़वाना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो लॉक है ये TSA अप्रूव लॉक नहीं है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं TSA अप्रूव लॉक और रेगुलर लॉक में, तो क्या डिफरेंसेस है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल ये आपको ये बताते हैं ये एक रेगुलर लॉक है। और यहाँ पे आपको एक पुश बटन दिया हुआ है, जब आप इस पुश बटन को ऐसे पुश करेंगे तो ये आपकी जो जिपर्स हैं ये यहाँ से फ्री हो जाएंगी, आपका जो लॉक है उससे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। 2-way जिपर्स है तो ईजिली एक्सेसिबल है, काफ़ी स्मूथ है और साथ ही साथ ड्यूरेबल भी है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद ये आपके सामने है बैग। बात करते हैं ये इनर कंपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको ये होल्डिंग स्टेप्स मिलती हैं जिन पे आपको एक बकल लॉक मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके आराम से सिंगल हैंडली इसे निकाल सकते हैं। और ये जो बकल है ये आपकी जो भी अंदर क्लॉथ्स वगैरह रहते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से होल्ड करने का वर्क करता है, वो जिस तरह में आप रखेंगे, जिस पोजिशन पर रखेंगे आपको उसी पोजिशन में मिलेंगे, आपकी जो आयरन है वो ख़राब नहीं होगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालाँकि आपको एक चीज़ गौर करनी चाहिए कि जो इसके हैंडल्स हैं इसके बैक पे, वो अंदर की साइड में आपको उनका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप कोई फ्रेजाइल आइटम यहाँ रखना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन होगा आप यहाँ ना रखें, क्योंकि इन हैंडल्स की वजह से अगर थोड़े शॉक्स आते हैं, हालांकि ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर तक शॉक नहीं आते, नुकसान नहीं होता,
बट कुछ रेयर चांसेस में नुकसान हो सकता है अगर आप यहाँ पे कुछ फ्रेजाइल आइटम्स रखते हैं, जैसे कोई ग्लास वेयर हो गया या सेरामिक हो गया, तो यहाँ पे टूट सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पे अपने क्लॉथ्स स्टोर करें, क्लॉथ्स के साथ आपके जो इनर गारमेंट्स आप वो रख सकते हैं, हैंकीज रख सकते हैं, और अपने शूज़ भी रख सकते हैं, शू बैग रख सकते हैं अलग से, लेकिन उसके अलावा कोई फ्रेजाइल आइटम यहाँ ना रखें। साथ के साथ आपके होती है एक अलग से कंपार्टमेंट जो जिसके ऊपर एक कवर है, एक जिपर्ड कवर है। आप इस जिपर को ओपन कीजिए तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। अगर आप जितना आपका स्टोरेज यहाँ पे है, ऑलमोस्ट उतना ही स्टोरेज आपका यहाँ पे है। तो ओवरऑल ये 35 लीटर्स का बैग है, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 17.5 लीटर्स आपका यहाँ पे आ जाता है स्टोरेज, और 17.5 लीटर्स आपका इस तरफ आ जाता है स्टोरेज। ये इस स्टोरेज का बहुत फ़ायदा है हाल, क्योंकि ये एक जिपर्ड कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप अपने वेट क्लॉथ्स रख सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कपड़े सुखाने का टाइम नहीं मिलता है, जो आपके जूते हैं या आपके सॉक्स गीले हैं, तो उनको आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं, और उसके बाद उसे यहाँ से जिप कर सकते हैं। जिप करने के बाद आपका जो बाकी के ड्राई क्लॉथ्स रहेंगे वो इसमें रहेंगे, और उन्हें आप फिर इस तरह से बहुत ही ईजिली स्मूथली बकल अप कर सकते हैं, और आपका स्टोरेज एकदम तैयार है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये 35 लीटर्स का बैग है, और 35 लीटर्स का बैग होने के साथ साथ इसका जो वेट है वो 2.5 केजी है, जो कि काफ़ी हल्का है। अगर आप इसका स्टडी मटेरियल देखें, जो कि काफ़ी मजबूत है, उस हिसाब से आपको ये 2.5 केजी का वेट इसमें कैरी करने को मिलता है, और वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है इसके जो 360 डिग्री व्हील्स हैं उसकी वजह से, और स्मूथ हैंडल की वजह से। हालाँकि जो इसकी प्राइस रेंज है, वो 3000 की है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 3000 में ही, अब जैसे ये कैम्बलियंट है, कैम्बलियंट अमेरिकन टूरिस्टर का ब्रांड है, 3000 में ही जो अमेरिकन टूरिस्टर का अपने बैग्स हैं, जो सेपरेट बैग्स हैं कैम्बलियंट के, वो आपको इससे बेटर स्टोरेज दे सकते हैं, इससे बेटर कुछ और प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, कितना ज़्यादा स्टोरेज दे सकते हैं, कौन सा वेरिएंट है अमेरिकन टूरिस्टर का जो आपको ये सब बेटरमेंट दे सकता है, वो मैं अगली वीडियो में उसका रिव्यू करने वाला हूँ। उसका नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा बैग है जो सेम प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर प्रॉपर्टी, इससे बेटर स्टोरेज देता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी से वापस आ रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, आपके फ़ायदे की वीडियो लेके, जो आपको सेम प्राइस में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।